आज कैसे टूटी? अब तू भी टूटेगी, इससे भी बुरी तरह। खड़ी कैसे हो गई? शक्ति रूप तुम सनातनी महासुर विनाशी कावलिनी अपहारिणी मुंडवालिनी करकश शूरधारिणी। देख दुंशिका देख, आज मेरे कदम चलेंगी और तेरी सांसें रुकेगी। लगता है पैरों के साथ साथ जुबा में भी काफी ताकत आ चुकी है। कहती है तो काट के हाथ में दे दूं। जंगल की जानवर अमर जीवन काट भी। आए आए देखी तो कत हिम्मत। आए आज तो तू गई। तेरी इतनी हिम्मत? दिमाग हिल गई ना? ओह भूल गई थी, तेरी तो दिमाग ही नहीं है। सूरज डूबने से पहले मैं तुझे मार नहीं सकती, पर तड़पा जरूर सकती हूँ। आशीर्वाद और तेरे लिए अभिशाप। बेवकूफ बुढ़ी, एक नागिन से बच के कितनी देर भागेगी? अभी तुझे पकड़ के तेरी औकात दिखाती हूँ। एक बार देख तो ले, हाथ कहाँ पे रखा है।
बड़ी गर्मी चढ़ी थी ना तुझे, अब भाग भाग। मासी, अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक मामूली इंसान होके नौगिन से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या हुआ बुड्ढी, डर गई? तू एक नागिन है? हाँ, और तेरी मौत भी। हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो कालदंशी का अभी अपना पूजा खत्म करके नीचे आ जाएगी। अब उस कालदंशी का के शिवाली नहीं, मासी मजा चखा। क्यों कालदंशिका, अपनी दोस्त को देखकर जरा से भी खुशी नहीं हुई? वैसे हम लोग कल ही मिल चुके हैं, गौरी याद है ना? मैं गौरी हूँ, मैंने इन्हें शिव जी का आशीर्वाद दिया और मासी ठीक हो गई। तू जा इधर से वरना मैं। तो वो तू थी उसके भेस में, पर तुझे तो कालक्ष ने मार दिया था ना? भोलेनाथ की संतान हूँ मैं, मुझे मर सके इतनी शक्ति उस शैतान के पास कहाँ थी? और इसीलिए तो वो तेरे जैसे धोखेबाज के हाथ बेमौत मारा गया। अरे वाह, सब कुछ पता करके आई है, तू तो बड़ी तेज निकली। अपने हाथ में जो नागमणि है उसे एक बार ठीक से देख तो ले। क्या मतलब, क्या किया है तूने नागमणि के साथ? नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे हम तो बस तेरा ध्यान भटका रहे थे। दोनों को साथ में ऊपर पहुंचाती हूं। तूने एक दोस्त के रूप में अपना बन के मुझे ठगा था ना, अब देख अपनों की चोट से कितनी दर्द होती है। हाँ। हाँ।
मेरे अपने ही नाग मुझे ही क्यों डस रहे? तुझ जैसे डायनों का कोई भी अपना नहीं होता। मेरी मासी को बहुत तड़पाया था ना तूने? अब कैसा लग रहा है? देख कालदंशिका, उस भोलेनाथ की माया ऐसी ही होती है। तू जो भी बोएगी ना, वो इसी एक ही जिंदगी में काटना भी पड़ता है। तू अब तक बहुत सारों की जिंदगी में जहर घोल चुकी है, इसीलिए आज देख अपने ही जहर से खुद कैसे तड़प रही है। मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को इससे भी ज्यादा तड़पाऊंगी। बड़ी घमंड है ना तुझे अपनी शक्तियों पर? शिवाली, इससे इसकी सारी शक्तियां छीन लो। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तू जैसे शैतानों के साथ हम जितना कुछ भी कर लेना वो कम है। अब तू भी देख कैसे तेरी काली शक्तियां अच्छाई के आगे माथा टेकती है। अब तू भी एक इंसान ही बन चुकी है कालदंशिका। माफ कर दो, तुम लोग तो अच्छाई की तरफ हो ना। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, माफ कर दो। तूने कोई गलती नहीं की है। अरे तूने तो महापाप किया है। एक नागिन होके तूने शिव जी की धरोहर इस पवित्र नागमणि का अपमान किया है। तू तो नागों के नाम पे कलंक है और पाप करने वालों को माफी नहीं मिलती, उनको मिलती है सजाए मौत। आज एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई है और कालदंशिका को तुमने ठीक वैसी ही मौत दी है जिसकी वो हकदार थी। तो अब मासी के पास चले, वो घर में हमारा इंतजार कर रही होगी। मेरा एक काम अभी भी बाकी है। मतलब? मुझे ये नागमणि शिव जी को समर्पण करनी है। और क्या? मुझे मेरे नाग रूप को त्याग करके एक इंसान भी बनना है। क्यों? तुम्हें शायद पता नहीं है, पर एक नागिन और एक इंसान कभी साथ नहीं रह सकते। पर शिव जी ने एक मकसद के लिए मुझे यह नाग रूप दिया था, जो कि आज पूरी हो गई है। अब मैं ये सब कुछ भुला के तुम सबके साथ एक इंसान बन के जीना चाहती हूँ।
तुम दोगे ना मेरा साथ? आज अगर वो कालक्ष जिंदा होता तो मैं उसे दिखाती कि काल के ऊपर महाकाल कैसे भारी पड़ता है। आपने जिस काम के लिए मुझे यह नागयोनि का वरदान दिया था आज वो पूरा हो चुका है, इसीलिए अब मैं पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे इस नाग रूप का त्याग करना चाहती हूँ। अब मैं एक इंसान बनके मेरे अपनों के साथ जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेरी नाग रूप त्याग करने की आज्ञा दे और ये आशीर्वाद दे कि अब चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपने इंसानी रूप में रहकर पूरे साहस के साथ उसका सामना कर सकूं। शिवाली, तेरे बिना जिया नहीं जाए सनम, तेरे बिना जिया नहीं जाए सनम। ब्रो, अच्छा तो यार ये सब चल रहा है और मैं बेचारा सोच रहा था कि आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे। ए, कल सुबह ही तो बात हुई थी ना कॉल पे, तब तो तूने बताया नहीं कि तू आ जाने वाला है। और हाँ, ऐसे बिना बताए अचानक कैसे चला आया तू? उफ, अब आप ऐसे सवाल ही करते रहोगे या कर अपने छोटे को गले भी लगाओगे? ये कैसा मजाक है? क्यों, मजा नहीं आ रहा? मुझे क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? अभी तो खेल शुरू हुआ।
मेरा स्वागत नहीं करोगे ब्रो? आज तू खुद यहाँ नहीं आया है, तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। अच्छा, तेरी दुश्मनी मुझसे है, उससे नहीं। उसे अभी छोड़ दे, वरना वरना क्या क्या करेगी तू मामूली इंसान? खुद ही देख ले। शिवाली, ये मनी लेके भाग जाओ। तुम्हें मेरी कसम, भागो। इसीलिए बोला था कि बिना झमेला किए नागमणि मेरे हवाले कर, लेकिन नहीं, दोनों को तो महान बनना था ना। अब मरो। नागमणि तो जिसे मिलनी थी उससे ही मिले। अभी अभी इस मनी से उस कालजंशिका को मार के आई, अभी कुछ देर तो लगेगी इसको फिर से जागृत होने में। कालक्ष, नागमणि में तो शक्तियां वापस आ चुकी है।
और अपने अंगूठी के बिना अब तो तू भी एक मामूली इंसान ही है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे भोलेनाथ करवा रहे हैं। देख उनकी माया, एक बार मरने के बाद भी तुझे दोबारा लौटाया है ताकि तू हमारे हाथों खत्म हो सके। हर पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। मेरी बेटी अपनी माँ बाबा की मौत का बदला जरूर लेगी। जाने तो मुझे कर पकड़ बम्बे बम। अब तुझे भोलेनाथ भी नहीं बचा सकता, तुझ पे काल का साया जो पड़ा है। स्वाहा बच्ची काचिश करनो। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ मासी। उस कालक्ष ने मेरे माँ बाबा को बहुत बेरहमी से मारा था। उसे आज एक दर्दनाक मौत देके मैंने अपने माँ बाबा की आत्मा को शांति दिया। अरे इधर आप लोग। मैं कब से आप लोगों को ढूंढे जा रहा हूं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं ये भी तो ऐसा मत बोलो, ये असली उज्जल भी तो हो सकता है ना। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे मुझे आके हक तो करो। अब आप ऐसे सवाल ही करते रहोगे या आकर अपने छोटे को गले भी लगाओगे? जा। क्या हुआ ब्रो? Everything is all right. अभी तू आ गया है ना, अब सब सही होगा। पर ब्रो ये खून कैसा है? अरे तू वो सब छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सिर्फ मैं नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। अरे इधर आओ। तू उस पेड़ को क्यों बुला रहा है? अरे वो पेड़ के पीछे। हाय ब्रो। इसको लेके आया है साथ में। अरे मैंने सोचा आपका हो गया तो मैं भी कर लेता हूँ। क्या हो गया है ब्रो? खून
शूट चल रहा था कोई? हाँ। हाय गाइस, मैं महक, ब्रो की सिस्टर। और मेरी? खाने बैठ कर ही हंसोगे ना, घर भी चलोगे? आज ना टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी। चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा चलो चलो चलो। रुको, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। नागमणि की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई चाहे कितनी भी रफ्तार क्यों न पकड़ ले, पर अपने कर्मों से कभी भी भाग नहीं पाता है। जैसे सुबह की किरणें रात के अंधेरे को एक पल में मिटा देती है, ठीक वैसे ही अच्छाई के एक ही वार से पाप का पहाड़ टुकड़ों में बिखर जाता है। न्याय और धर्म के पथ पर चलने वाला हर जीव महाकाल का संतान होता है, इसीलिए जब भी उन पे गुनाहों का अंधेरा छाने लगता है, तब तब महाकाल एक पवित्र शक्ति का आवाहन करके अपने संतानों की रक्षा करते हैं। क्योंकि कण कण में शिव है, हर एक क्षण में शिव है, और शिव की शक्तियों का एक निरंतर प्रतीक है नागमणि।